हेलो दोस्तों, पुनीताज फूड डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी पंजाबी कढ़ी की रेसिपी। पंजाबी कढ़ी खाने में बहुत टेस्टी और बनाने में बहुत ही इजी है, तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है लस्सी। लस्सी को हम एक बड़े बर्तन में डालेंगे। अब इसमें 3 से 4 चम्मच हम बेसन डालेंगे। साथ ही में डालेंगे हल्दी पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें ज़रा सा भी लम्स ना रहे। ये बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है ना, तो इसमें हम एक गिलास पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने गैस पे पहले से कढ़ाई रख दिया था गरम होने के लिए। अब इस घोल को कढ़ाई में डालेंगे। और इसे चलाते हुए 8 से 10 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। जब तक कढ़ी पक रही है तब तक हम पकौड़े बना लेते हैं। पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है बेसन। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी, नमक, हींग। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। साथ ही में लिया है मैंने एक आलू। आलू को अच्छी तरह से छील लिया है। अब इसे इसी में हम कद्दूकस कर देंगे। यहाँ पे आलू को मैंने बॉईल नहीं किया है, कच्चा आलू यूज किया है। ऊपर से डाल देंगे कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। अब इन सबको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डालेंगे, नहीं तो नहीं, क्योंकि आलू को मैंने इसी में कद्दूकस किया था। दोस्तों, आप लोग को पता ही है कि आलू में कितना पानी रहता है, इसीलिए इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखिए, पकौड़े का बैटर बनकर रेडी है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। कढ़ाई में तेल मैंने रख दिया था पहले से गर्म होने के लिए। अब इसमें हम एक एक करके पकौड़े डालेंगे। पकौड़े को लो मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। पकौड़े अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। और ये पकौड़े ना चटनी के साथ आप लोग खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे कढ़ी भी धीरे धीरे थिक हो गई है। तो अब इसके लिए हम बनाएंगे तड़का। अब हम तेल में डालेंगे जीरा, मेथी, सूखी लाल मिर्च, कद्दूकस किया हुआ अदरक, लहसुन, कड़ी पत्ता, प्याज और हींग। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। ऊपर से डाल देंगे कसूरी मेथी, गरम मसाला और कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। इन सबको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे तड़का बनकर रेडी है। इसको हम कढ़ी में डाल देंगे। साथ ही में हम पकौड़े भी डाल देंगे। पकौड़े डालने के बाद इसे हम 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। दोस्तों, कढ़ी को और मज़ेदार बनाने के लिए एक कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच देसी घी।
और एक चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसे भी हम कढ़ी के ऊपर डाल देंगे। तो आप लोग देखिए दोस्तों, मज़ेदार पंजाबी कढ़ी बनकर रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।